नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग साथियों। मैं सुनील वर्मा, बेटी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज एक बात है कि मैं सुविचार कौन बोलू कि मैं थोड़ा जल्दी मो और सुविचार देख कौन पायो, इन खातर आप आज के क्लास जल्दी स्टार्ट करूंगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, कल हमने धर्मेंद्र साहित्य कर लिया था, आज है हमारा टॉपिक विशुद्ध साहित्य। किसके अंतर्गत? जो हमारे चल रहे साहित्यिक स्रोत, उसमें हमने तीन भागों में बांट दिया था। आपको बताया था कि धार्मिक साहित्य, धर्मेंद्र साहित्य और वंशावली, ये तीन प्रकार के भाग है। तो इसमें क्या है, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जो धर्मेंद्र साहित्य चल रहे हैं उसमें दूसरा टॉपिक है हमारा विशुद्ध साहित्य। तो देखिएगा, टॉपिक रहेगा हमारा विशुद्ध साहित्य। अब ये विशुद्ध साहित्य होते क्या है कि ऐसे साहित्य जो शुद्धतम भाषा में लिखे होते हैं, और जो सबसे शुद्ध भाषा हमारी कौन सी है, संस्कृत। कौन सी है? संस्कृत। तो ये जो विशुद्ध साहित्य है वो ज्यादातर इसमें संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, कुछ एक हिंदी में भी लिखे गए हैं। तो ये क्या है, विशुद्ध साहित्य कहलाते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं देखो, एक तो आता है व्याकरण ग्रंथ हमारा, दूसरा आता है नाटक, फिर आता है कथा कोश और अनेक प्रकार के जो अन्य साहित्य है वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और इनमें होता क्या, असल में जो तत्कालीन जो समय होता है समाज का, उसमें उसकी आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और धार्मिक स्थिति है, उन सभी का वर्णन इसमें मिलता है, हमारे विशुद्ध साहित्य के अंतर्गत मिलता है। तो चलिए दोस्तों हम लेते हैं पहला विशुद्ध साहित्य की कौन सा था, पहला हमारा मुद्रा राक्षस। कौन सा? मुद्रा राक्षस। तो ये हमारा पहला विशुद्ध साहित्य जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, और जो किसके द्वारा रचित है, विशाख दत्त के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? विशाख दत्त के द्वारा रचित है। जो क्या है, संस्कृत नाटक है। क्या है? संस्कृत नाटक है। और इस संस्कृत नाटक के अंतर्गत क्या है, जो गुप्त काल का कथानक था उसको लेकर हमारा जो समाज का चित्रण है वो इसके अंतर्गत किया गया है। किसमें? मुद्रा राक्षस में, विशाख दत्त द्वारा रचित है, ये संस्कृत नाटक है। और जो गुप्त काल था उसके कथानक को लेकर जो समाज था उस समय का तत्कालीन, उसका चित्रण इसके अंतर्गत किया गया है। अब देखिए दूसरा लेते हैं हम प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि नंबर दो है हमारा प्रबंध चिंतामणि। और इस प्रबंध चिंतामणि के जो रचनाकार है वो है मेरुतुंग जार्ज, और इन्होंने 1305 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना की, मेरुतुंग जार्ज। और इन्होंने क्या है, 1305 ईस्वी के अंतर्गत इसकी रचना की। और इस प्रबंध चिंतामणि के अंतर्गत होता क्या था कि जो 1305 ईस्वी में होगी तो हमारी 14वीं शताब्दी चल रही थी, उस 14वीं शताब्दी को लेकर के है वहां का जो राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन था उसका चित्रण इन्होंने मेरुतुंग जार्ज ने किया है। आगे देखिए नंबर तीन को लेकर चलते हैं हमारा कार्तिक कौमुदी। कौन सा? कार्तिक कौमुदी, जिसके जो रचनाकार है वो सोमेश्वर है, और ये भी क्या है, प्राचीन साहित्यिक ग्रंथ है। तो देखिएगा कार्तिक कौमुदी, ये जो कार्तिक कौमुदी है इसके रचनाकार है सोमेश्वर। कौन है? सोमेश्वर। और ये क्या है, प्राचीन साहित्य है संस्कृत का। प्राचीन साहित्य है किस भाषा का? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में रचित ये ग्रंथ है कार्तिक कौमुदी, जिसकी रचनाकार है सोमेश। वर्णन मिलता है वो मिलते हैं चालुक्य जो वंश था उसके इतिहास का वर्णन। इसका चालुक्य वंश के इतिहास का वर्णन वहां पे मिलता है। अब नंबर चार पे लेते हैं हम महाभाष्य। कौन सा? महाभाष्य। महाभाष्य, तो ये जो महाभाष्य है ये भी क्या, एक संस्कृत का ग्रंथ है जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। किसने? महर्षि वाल्मीकि ने रचा है इसे। किसने? महाभाष्य। इसके रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। ये भी एक संस्कृत ग्रंथ है जिसमें क्या है कि अष्टाध्यायी ने, अष्टाध्यायी जो ग्रंथ था उसमें से कुछ से सूत्र चुने गए थे,
उस चुने गए सूत्रों पर वाल्मीकि ने क्या एक भाष्य लिखा था, जिसके कारण इसे व्याकरण का भी महाभाष्य कहते हैं। और कहीं कहीं पर इस पे जो तत्कालीन राजा थे उनके जनतंत्र व उनकी जो घटनाएं थी प्रमुख, उन घटनाओं का वर्णन इस महाभाष्य के अंतर्गत किया जाता है। नंबर 5 लेते हैं हम मालविका अग्नि। नंबर 5 में हमारा मालविका अग्नि। इस मालविका अग्नि के जो रचयिता है वो है हमारे कालिदास। कौन है? कालिदास। और ये क्या है? 5 अंकों का नाटक है जी। कितने अंकों का? 5 अंकों का नाटक है, जिसके अंतर्गत वर्णन क्या मुख्य रूप से देखो कि मालव देश था, उस मालव देश की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था मालविका, और साथ में जो एक विदिशा का राजकुमार था जिसका नाम था अग्निमित्र। तो ये जो मालविका की राजकुमारी थी, मालविका राजकुमारी, उसके साथ जो विदिशा का राजकुमार था अग्निमित्र, उसका जो एक प्रेम तथा उसके विवाह से संबंधित जो वर्णन है इससे मालविका अग्नि के अंतर्गत पाया जाता है, जो किसके द्वारा रचित है? कालिदास के द्वारा रचित है। तो आगे देखते हैं हम अन्य ग्रंथ कौन सा है। देखिएगा नंबर 6 भी लेते हैं हम अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो ये अष्टाध्यायी है इसके जो रचयिता है वो है पाणिनि। कौन? पाणिनि। और ये क्या है? ये भी एक संस्कृत ग्रंथ है या संस्कृत साहित्य है, जो विशुद्ध प्रकार का हमारा साहित्य है अष्टाध्यायी, पाणिनि द्वारा रचित है। इसमें क्या है? 8 अध्याय। कितने? 8 इसके अंतर्गत अध्याय है, 8 है अध्याय। और ये 8 अध्याय होने के कारण इसका नाम है अष्टाध्यायी रखा गया, जो इसके द्वारा रचित पाणिनि द्वारा रचित है और संस्कृत साहित्य है। इसके अंतर्गत क्या है? जो यथेष्ट इतिहास था हमारा, उसके जो विशेष सामग्री थी तथा जो हमारा भारतीय जो राजनीतिक आर्थिक व्यवस्थाएं थी उनके बारे में इसके अंतर्गत क्या है? पाणिनि जी ने वर्णन किया है। अब चलते हैं हम अन्य ग्रंथों की तरफ भी। अन्य विशुद्ध साहित्य ग्रंथ के अंतर्गत कौन से आते हैं? ये थे हमारे मुख्य मुख्य विशुद्ध साहित्य। तो चलिए अब देखेंगे अन्य साहित्यिक ग्रंथ जो विशुद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं। उनमें से पहला लेते हैं हम मिताक्षरा। मिताक्षरा जो 6 बड़ी अंगों में से एक भाग माना जाता है, 7वां मिताक्षरा, जिसके रचयिता है मेघातिथि। जिसके रचयिता है मेघातिथि। उसके बाद नंबर 8 पे लेते हैं हम हमारा मृच्छकटिकम, जिसे शूद्रक के जो महाराज शूद्रक थे उनके द्वारा रचित है मृच्छकटिकम। किसके द्वारा रचित है? शूद्रक, जो महाराज शूद्रक थे उनके द्वारा यह मृच्छकटिकम रचित है, जिसका अर्थ क्या होता है? मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। इसके ऊपर क्या है? जो वहां की व्यवस्थाएं थी उनके बारे में इसमें वर्णन पाया जाता है मुख्य रूप से। तो ये थे ग्रंथ विशुद्ध साहित्य। अब बात करते हैं अन्य ग्रंथों की। अन्य ग्रंथों में क्या है जो जिन्हें साहित्य कोश भी कहा जाता है? साहित्य कोश कहा जाता है। इन साहित्य कोश के अंतर्गत पहला लेते हैं पंचतंत्र। कौन सा? पंचतंत्र, जो किसके द्वारा रचित है? विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा रचित है, जो क्या है? एक विशुद्ध साहित्य है। उसके बाद 2 नंबर पे लेते हैं हम, 2 नंबर पे हमारा कथा मंजरी। कौन सा? कथा मंजरी। और ये कथा मंजरी गुणाढ्य द्वारा रचित है, गुणाढ्य द्वारा रचित है। उसके बाद हमारा तीसरा लेते हैं वृत्त कथा मंजरी। तो ये तो सीधा ही कथा मंजरी था। अब आता है नंबर 3 पे हमारा बृहद कथा मंजरी। और ये जो बृहद कथा मंजरी था ये क्षमेंद्र द्वारा हमारा रचित है। इसके द्वारा क्षमेंद्र के द्वारा रचित ग्रंथ है, विशुद्ध साहित्य का प्रमुख ग्रंथ भी माना जाता है। इसके बाद आता है हमारा 4 नंबर पे लेते हैं अमरकोश। कौन?
अमरकोश, और इस अमरकोश के जो रचयिता है वो है अमर सिंह। अमर सिंह तो ये हो गए प्रमुख प्रमुख। एक और लेते हैं हम इसमें कथा सरित सागर, जिसके क्या है नंबर पांच पे, कथा सरित सागर जो इसकी रचयिता है वो है सोमदेव। इसकी जो रचयिता है कथा सरित सागर की वो है सोमदेव। और अब बात आती है कि जो ये अन्य साहित्यिक कोश थे इनसे किस प्रकार की जानकारी मिलती है, इससे जो तत्कालीन समाज है उसी की जानकारी मिलती है कि वहां पर आर्थिक सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार थी, जो संस्कृति थी वो किस प्रकार की थी। तो ये थे हमारे विशुद्ध साहित्य। कल का टॉपिक रहेगा हमारा क्षेत्रीय साहित्य, जिसके अंतर्गत क्या राजस्थानी साहित्य आते हैं और हमारे तमिल साहित्य आते हैं, इस प्रकार अन्य अन्य जो राज्यों की भाषाएं या जो क्षेत्र की भाषाएं हैं उनके बारे में जो क्षेत्रीय साहित्य लिखे गए उनका विवरण करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।